हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर किचन। आज हम बनाएंगे बटाटा पूरी सेव, जो कि दिल्ली और मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड चाट है। प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। बटाटा पूरी सेव बनाने के लिए हमने लिए हैं कटे हुए प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, भुना जीरा, लाल मिर्च, भुना धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी अजवाइन, लाल चटनी, हरी चटनी, सेव, नींबू और कटे हुए टमाटर। बटाटा पूरी सेव बनाने के लिए हमने लिया है मैदे का आटा। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और कुछ अजवाइन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक आटे का डो तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है। डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। दस मिनट हो चुके हैं। अब हम इस आटे की दो गोलियां बना लेंगे। और इसे एक चकले पे बेल लेंगे अच्छे से। हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसे इस तरीके से एक ग्लास की सहायता से काट लेंगे। अब हमें इसमें स्पून की मदद से कुछ छेद कर देने हैं, जिससे ये फूलने ना पाए। निकाल लेना है। तेल को हमने गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें पूड़ियों को डालेंगे। हमारी पक चुकी है। अब हम इन्हें निकाल देंगे। इस तरीके से हम इसमें एक एक करके सारी पूड़ियां बना लेंगे। पूड़ियां हमारी बन चुकी हैं। पूड़ियां हमने इस तरीके से लगा ली हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू। जिसको मैंने पहले से ही उबाल कर मैश करके रखा था।
इस तरीके से हम सारी पूड़ियों में आलू को रख लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। अब हम इसमें डालेंगे भुना जीरा। अब हम डालेंगे भुना धनिया। थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे हरी चटनी। अब हम इसमें डालेंगे लाल चटनी। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से सेव। अब हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिली, जो कि ऑप्शनल है। अब हम इसमें डालेंगे दही। आप चाहें तो दही की जगह नींबू ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे दही डाला है। अब हम इसमें एक बार फिर से लाल चटनी ऐड करेंगे। हम इसमें थोड़े से सेव और डाल देंगे। हमारी बटाटा पूरी सेव तैयार है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और खाने में तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।